लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम गए थे जूनागढ़ फोर्ट घूमने, और अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं भाई। कहाँ के लिए? गजनेर पैलेस या गजनेर है खाली? गजनेर पैलेस जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ के रोड की क्वालिटी ना जबरदस्त भाई, मजा आ जाता कसम से। और आजू बाजू लेफ्ट राइट में इतना खाली जगह है ना, इतना खाली जगह है, क्या ही बोलूं। दूर दूर तक बस जमीन और एक कांटे वाले पेड़ जो भी है। अरे बहुत सही यार, बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए। देख रहे हो, सुकून है यार, सुकून बहुत बढ़िया। और गजनेर अभी दिखा रहा 10 किलोमीटर, लेकिन अपना शायद 15 किलोमीटर आगे। चलो कोई नहीं गाइज, जब बीकानेर से आप गजनेर की तरफ जाते हो तो भाई एक टोल भी पड़ता है। ये टोल क्या मतलब, पहला टोल हमारा पड़ा, आगे पता नहीं कितना पड़ेगा। तो ये टोल है और यहाँ पे देखते हैं कितना पैसा कट होता है, वो भी बता देंगे आप। सो गाइज, यहाँ पे जो टोल लगा वो 75 रुपीज लगा है, 75 रुपए। फाइनली हम पहुंच गए गजनेर पैलेस, अ यूनिट ऑफ राजपुर होटल एंड रिजॉर्ट। यस, पैलेस। होटल होटल लाइन है कहाँ से नहीं बाबा भाई। लोकेशन तो बड़ी प्यारी है गाइस, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। वाह, जंगलों के बीच है भाई, ग्रीनरी काफी है यहाँ। होटल है। So यहाँ पे घूमने के है भैया, ₹250-250 एक पर हेड। नो हॉर्न प्लीज। सो गाइज, अभी हम आ गए गजनेर पैलेस, जो कि अब वहाँ पे बाहर बताया गया कि अब इसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और घूमने के चार्जेस हैं ₹250 पर हेड, और कोई गाइड वगैरह नहीं है, तो आपको खुद ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर घूम के देखते हैं। सो गाइज, इस तरह से कुछ यहाँ का व्यू मिलता है। एक लेक है, लेक के किनारे बिल्कुल ये है गजनेर पैलेस, काफ़ी हरियाली है। और एक अगर आप पीसफुल स्टे वगैरह यहाँ करना चाहते हो तो आ सकते हो। मैं लास्ट में अगर उनके पास कुछ होगा ऐसा प्राइस वगैरह तो वो दिखा दूँगा।
गाइस हरियाली बहुत भर भर के भाई यहाँ पे, और ये पक्षी वगैरह भी बोल रहे हैं, आप सुन सकते हो आवाज़। तो वही है, ये पहले पैलेस था जिसको अब होटल एंड रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। भीड़ तो मतलब कोई दिखा तो नहीं बाहर, अपनी ही गाड़ी बस दिखी अकेले। भाई कॉस्टली होगा ना, कोई कैसे आएगा, आई थिंक यही होगा इस तरह से। मतलब अगर आप एक पीसफुल स्टे लेना चाहते हो आ सकते हो, यहाँ पे लेक मिल जाएगा आपको किनारे ही, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, ठीक है इस तरह से। तो गाई इधर रेस्टोरेंट वगैरह भी है, ये गुलाब निवास 103 से 145 इधर भी है कुछ रूम्स वगैरह, बढ़िया भाई ग्रीनरी काफ़ी है। मतलब आ जाओ ऐसे ही, बीकानेर आए हो तो हल्का सा घूम के देख लो, और क्या देख लो, अकेले हम ही दोनों हैं, कोई नहीं इधर। अब इनके रेस्टोरेंट में खाऊं भी क्या, कुछ होगा ही नहीं। तो गाइज यही था छोटा मोटा सा, कभी आ रहे हो बीकानेर घूम जाना, थोड़ा सा मतलब शांति है। रहने वाने का स्टे तो आई थिंक इनका महंगा ही होगा।